back to my YouTube channel SMS Creation and welcome to my fresh new brand YouTube video. So, आप सभी को thumbnail देखकर पता चल ही गया होगा कि वीडियो कौन से टॉपिक पे है. जी हाँ, जैसे कि आजकल बहुत वायरल हैक हो रही है लिपस्टिक हैक को लेकर, तो वही वीडियो हम आप सभी को दिखाने वाले हैं अप्लाई करके. ये हैक मैंने YouTube शॉर्ट्स पे भी देखा और Instagram रील्स पे भी देखा है, तो चलिए हम भी अप्लाई करके देखते हैं क्या ये सच में वर्क करती है कि नहीं. काफी वायरल जा रही है ये वीडियो. सो अगर ये हैक वर्क करेगी तो मैं इसके लिए अप थम्स अप दूंगी, अगर ये हैक वर्क नहीं करेगी तो मैं डाउन थम्स अप दूंगी. सो इसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो के एंड तक में बने रहना होगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना होगा हमारे चैनल को और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सभी को मिलती रहे. सो ज्यादा बकबक ना करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की फर्स्ट हैक की तरफ. सो चलिए हम अपने फर्स्ट हैक को स्टार्ट करते हैं. सो ये रही वीडियो, आप चेक कर लीजिए. ओ वाओ, सच अ नाइस हैक गाइस. ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं. तो इस हैक के लिए हमें चाहिए होगा कंसीलर. सो मैं ऑलरेडी लिपस्टिक अप्लाई कर चुकी हूँ, सो आप इसे लिपस्टिक अप्लाई कर लीजिएगा और लिपस्टिक के ऊपर हमें कंसीलर लगाना है, तो चलिए लगाते हैं. सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर, ठीक है. सो अब मैं लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई करूंगी. लाइक दिस, बस मुझे इतना ही अप्लाई करना है. तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे अपने लिप्स के लेवल से. अच्छा लग रहा है ना गाइस. सो ये वाली जो हैक है ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. सो ये वाली हैक जो है वो जिसको डार्क शेड की लिपस्टिक अगर लगा चुके हैं, जिससे न्यूड पसंद है उसे न्यूड करना होगा, उसके लिए ये हैक वर्क करेगी. नहीं तो जिसके पास न्यूड शेड की लिपस्टिक नहीं है वो इस चीज़ को लगा के ट्राई कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं आपको थम्स अप दूंगी, ये हैक बहुत अच्छा लगा, आप ज़रूर इस हैक को ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट हैक की तरफ. सो गाइस ये रही हमारी सेकेंड हैक, आप चेक कर लीजिए. वाओ, सच अ नाइस हैक गाइस. सो सेकेंड हैक स्टार्ट करने से पहले हम अपने लिपस्टिक को वाइप कर लेते हैं वाइप्स की हेल्प से. सो हमारी जो लिपस्टिक है वो वाइप्स हो चुकी है. सो इस हैक की बात करूँ तो सबसे पहले आपको डार्कर शेड आउटलाइन में देनी है, उसके बाद इनर शेड लाइट शेड में देनी है और उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करनी है. उसके बाद जो कलर है वो डार्कर शेड में कन्वर्ट हो जाती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें डार्कर शेड के लिए मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ. सो ये है मेबेलिन का फिट मी काजल और इसके बाद फिर मैं इसकी इनर कॉर्नर में मैं दूंगी लिपस्टिक, जो कि मैं रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो डार्कर शेड की काजल मैंने अप्लाई कर लिया है. सो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक इसके अंदर में और उसके बाद फिर मैं करूंगी अपने लिप्स की मदद से ब्लेंड. वाओ गाइस, ये हैक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. सो ये बेसिकली वो हैक है जिसे आउटलाइन में डार्कर शेड करना और इनर में लाइटर शेड. सो ये हैक उन सभी के लिए है. सो ये हैक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसके लिए अब थम्स अप दूंगी और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड हैक की तरफ. सो थर्ड हैक स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लिप्स को अच्छे तरीके से वाइप कर चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड हैक की तरफ. तो ये रही वीडियो, चेक कर लीजिए. सो गाइस ये वीडियो देख के मुझे लग नहीं रहा है कि ये वर्क करेगी भी, मुझे लग रहा है ये फेक वीडियो है. आपको अपने लिप्स के ऊपर टिश्यू पेपर लगाना होगा और उसके ऊपर अपने लिप्स की शेप के अकॉर्डिंग लिपस्टिक लगाकर और आपको ब्रश की हेल्प से आपको उसे ब्लेंड करनी होगी. तो मुझे नहीं लगता ये वर्क काम करेगी, तो फिर भी हम ट्राई करते हैं ये वाला हैक. तो चलिए ट्राई करते हैं. सो ये रही टिश्यू पेपर, लिपस्टिक एंड ब्रश. तो चलिए लेट्स ट्राई इट. सो अकॉर्डिंग टू द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टिश्यू पेपर को लाइक दिस अपने लिप्स के ऊपर लगा देनी है.
सो ये वाले हैक तो आप देख ही लिए हो, सारे पेपर पे लग चुके हैं, बट लिप्स के ऊपर एक निया लिपस्टिक भी अप्लाई नहीं है। सो इसके लिए मैं डाउन थम्स अप दूंगी। सो मैं ये हैक के लिए कभी रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी कि आप ये हैक ट्राई ही मत करना, क्योंकि इससे प्रोडक्ट वेस्टेज, टाइम वेस्टेज, सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैं और एक चांस लेके मैं फिर से, जैसे ये दो लेयर में टिश्यू पेपर है ना, हम सिंगल लेयर में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। सो ये देख लीजिए, ये सिंगल लेयर ऑफ है टिश्यू पेपर। सो अब हम अपने लिप्स पर डालकर अप्लाई करके देखते हैं। ये हैक वाकई फिर भी काम नहीं किया है। देख लीजिए, सिंगल लेयर हम दिए हैं तो ये थोड़ा सा बीच से फट चुका है। सो इसी के लिए ये थोड़ा बहुत लिपस्टिक इस पर अप्लाइड हुआ है, वरना ये हैक बहुत फालतू है। तो इसके लिए अगेन मैं डाउन थम्स अप दूंगी, तो मत ट्राई कीजिएगा, वेस्ट है। देखिए सारा प्रोडक्ट आपका इसमें ब्रश में और टिश्यू पेपर में ही लग चुका है, तो मुझे लग ही रहा था ये हैक काम नहीं करेगा, और वाकई ये हैक काम नहीं किया है, कुछ नहीं बोल सकती। सो लिपस्टिक को वाइप कर लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ हैक की तरफ। सो ये रही हमारी फोर्थ हैक की वीडियो, तो उसे चेक कर लीजिए। सो या ये वाला हैक मुझे अच्छा लग रहा है, सो लेट्स ट्राई इट कि ये सच में काम करता है कि नहीं। सो बेसिकली ये हैक के लिए मुझे चाहिए होगा 2 तरह के लिपस्टिक और एक कंसीलर। मैंने यहाँ पे नॉट यू की लिपस्टिक लिया है और मैबेलिन की कंसीलर। सो मुझे दोनों कॉर्नर्स में लिपस्टिक एक शेड की, उसके बाद कॉर्नर्स में एक शेड की लिपस्टिक, और मिडिल में मुझे कंसीलर अप्लाई करना है और इसे अपने लिप्स की तरफ से ब्लेंड कर देना है, और फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। सो लेट्स ट्राई इट। वाओ गाइस, ये वाला हैक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत से भी ज़्यादा अच्छा लगा। सो इसके ऊपर आप लिप ग्लॉस भी यूज़ करके आप कहीं भी बाहर भी आप ये हैक को लगा कर जा सकते हैं। ये हैक मुझे पर्सनली बहुत, मतलब क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है, इसके लिए मैं बिग थम्स अप दूंगी। सो ये हैक ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ हैक की तरफ। सो फिफ्थ हैक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको जल्दी से वाइप कर लेते हैं। चेक कर लीजिए फिफ्थ हैक की वीडियो यहाँ पे। सो ये वाला वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि वर्क एकदम नहीं करेगा, लेकिन मैं आप सभी के लिए फिर से मैं ये हैक ट्राई करके देख सकती हूँ। सो गाइस, ये हैक को यूज करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक ब्यूटी ब्लेंडर और एक लिपस्टिक, और इसे मुझे पूरे राउंड शेप में लिपस्टिक को अप्लाई कर देना होगा। लाइक दिस मैं पूरी, आप चेक कर ही सकते हो कि मैंने पूरे लिपस्टिक को राउंड शेप में अप्लाई कर दिया है। खाना होगा, मतलब खाना नहीं होगा, ऐसे मुंह पे रख के, मतलब इसे अपने लिप्स पे लगाना होगा। तो चलिए लेट्स ट्राई इट। आप देख ही सकते हो उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी है, और ये एक तरीके से मुझे एक लाइट शेड का लिपस्टिक का टिल्ट दिया गया है, बाकी के सारे प्रोडक्ट अभी भी इसमें एब्जॉर्ब ही है। सो अच्छे तरीके से ये अप्लाई नहीं हुआ है, देख ही सकते हो आप, अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं हुआ। और इसे अप्लाई करने के लिए आपको ऐसे अप्लाई करना होगा, तो मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा, ये डाउन थम्स अप है, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्टेड और प्रोडक्ट वेस्टेड आपको सामने दिख ही रहा होगा, और इसमें काफ़ी मेहनत है। और हैक का मतलब ये होता है गाइस कि आप तुरंत अप्लाई करो, झट से हो जाता है, तो
सो ये ऐसा कोई हैक ही नहीं है कि तुरंत अप्लाई हो जाए और एकदम अच्छे से अप्लाई हो जाए, तो राउंड अप डोंट ट्राई इट एट ऑल। सो गाइज एक बात मैं आप सभी को बता दूँ, जो भी मैं हैक ट्राई कर रही हूँ वो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, वो भी आपके सामने ऑन कैमरा। मैं ऑन बैक कैमरा में कुछ भी ट्राई नहीं कर रही हूँ, सब आपके सामने ही अप्लाई करके यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके थ्रू मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो गाइज ये रही हमारी लास्ट 6 हैक, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 6 हैक की तरफ। तो इसकी वीडियो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। सो ये वाली जो हैक है ना वो है आपका मेहंदी हैक, जिसे आपको अपने लिप्स पर फील करके लगानी है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया है मेहंदी। सो मेहंदी को ऑलमोस्ट हम लोगों ने हाथ में लगाया है, फर्स्ट टाइम आप अपने लिप्स पे लगा रहे हो, और ये काफ़ी ट्रेंडी चल रही है लिप्स और आईब्रो पे। तो मैं अभी फ़िलहाल तो मैं अपने लिप्स पर लगा कर देखने वाली हूँ, क्योंकि ये लिपस्टिक हैक के ऊपर है तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करती है कि नहीं। सो लेट्स ट्राई इट। सो आउटलाइन हो गई है, सो अब पूरे लिप्स पर फिल करते हैं। को 2 मिनट अप्लाई करने के बाद काफ़ी जल रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी लग रहा है मेरा लिप्स पे, ऐसा लग रहा है लिप्स थोड़ा मोटा सा हो गया है, बहुत जलन सी हो रही है, फिर भी मुझे 10 मिनट कैसे भी कर इसे रखना ही है। अपने हेयर्स को ये मेहंदी से दूर रखती है, मेरे मुंह के अंदर भी जल आ चुकी है गाइस, बहुत अजीब सा लग रहा है, पेट सी नहीं हो रही है, लग रहा है अब वाइप करूँ अब वाइप करूँ, बहुत छन जैसे जलन जैसी हो रही है। सो गाइस 10 मिनट हो चुकी है, तो अब मैं इसे करने वाली हूँ वाइप्स। सो चलिए ट्राई करते हैं वाइप करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। 10 मिनट तो ऐसा लगा ना कि 10 साल तक मैंने इसे रखा है, बहुत जलन हो रही है, पता नहीं क्या होगा, तो चलिए आप देखते हैं। सो आप देख ही सकते हैं, सो ये इसका जो टिल्ट है वो थोड़ी ऑरेंज में है, जैसे मेहंदी का टिल्ट होता है वैसा। सो कोई भी टिल्ट बाहर नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो इसका रिजल्ट है बहुत ही अच्छा लगा। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी जिसका भी सेंसिटिव स्किन है उसके लिए मैं आपको डाउन थम्स अप दूँगी, वो आप ज़रूर इसे आप मत ट्राई कीजिएगा, बट जो लोग अपने रिस्क पर ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप थम्स अप दूँगी, ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसके ऊपर लिप ग्लॉस लगा लीजिए, बट अभी जो मेरी लिप्स हैं ना वो लग रही है थोड़ी मोटी होगी और थोड़ी छन छन टाइप की हो रही है, और ठंडा ठंडा भी लग रहा है जैसे मेहंदी लगता है वैसे ही। सो देखते हैं बाद में क्या होता है, इसको क्या मतलब अभी तो फिलहाल तो कलर दे दिया है, बट बाद में क्या कलर देता है क्या होता है उसका कोई आइडिया नहीं है। सो लेट्स सी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं कुछ अनदर हैक लेके आऊँ तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।